दिनांक 17/5 को मुफस्सिल थाना के कैथमा गांव में एक धीरज कुमार की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और उनके एक साथी अनिल कुमार की गोली मारकर उनको घायल कर दिया गया था, जिनका इलाज हो रहा है। इस घटना के बाद उनके भाई, धीरज कुमार के भाई ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें एक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर कांड दर्ज कराया। अनुसंधान में उद्भेदन के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई SIT, जिसमें SDPO सदर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उस टीम में DSP प्रोबेशनर प्रिया ज्योति, SHO मुफस्सिल, SHO टाउन, SHO मटिहानी रिफाइनरी और भी कुछ थानाध्यक्ष और DIU की टीम को शामिल किया गया इसमें तत्काल कार्रवाई के लिए। और इस टीम ने घटना को न सिर्फ उद्भेदित किया कम समय में, बल्कि जो घटनास्थल पर मौजूद अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार भी बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस भी मिले हैं और घटना में प्रयुक्त की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें एक अपराधी जो गोलू कुमार है, जिनकी शामो थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है, उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने एक और अवैध हथियार के बारे में जानकारी दी, जिसके बिना पर हम लोगों ने सीमा दियारा में रेड किया SDPO सदर के नेतृत्व में, और वहाँ से एक रेगुलर वेपन इंसास बरामद हुआ है और उसकी 127 जिंदा गोलियाँ, 4 मैगजीन बरामद हुए वहाँ पर। एक विनय कुमार हैं, विनय सिंह, उन्हीं के घर से, उसको लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और जो 4 इस हत्या के कांड में गिरफ्तार हुए थे, गोलू कुमार, भोला, बिट्टू और विजय कुमार, इन सबसे पूछताछ की गई है। इन लोगों ने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है और इसमें 3 और लोग रह जाते हैं, एक जो नेम्ड FIR रखी उससे वो, और 2 और अपराधी हैं जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में एक जो अपराधी पप्पू का नाम आया था, बलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला, संदीपी गांव का, उसके घर पर जब छापेमारी हुई तो उसके घर से भी एक कट्टा बरामद हुआ है, जिस पर अलग से FIR बलिया थाना में दर्ज किया गया है। इस पूरे घटना में जो बिट्टू कुमार को गोली लगी, जो इलाजरत है अभी, उसमें ये बात हम लोग के अनुसंधान में सामने आई है कि जब इन लोगों के द्वारा धीरज को गोली मारकर वहाँ से पलायन किया जा रहा था, तब गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बचाव में गोली चलाया गया, जो कि संभवतः बिट्टू को लगी। इसकी हम लोग और तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग को उम्मीद है कि बाकी जो बचे अपराधी, उनकी गिरफ्तारी होगी या हम लोग